हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज दो वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मेरे साथ एक लेडी हैं जो बीजेपी से हैं और इनफैक्ट मोदी साहब के लिए यहाँ पे आई हैं। और कहाँ से आए आप मैम? मैं सोपोर से आई हूँ। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। माई नेम इज डॉक्टर अमीना कार। वी आर रिजाइडिंग इन सोपोर, न्यू कॉलोनी सोपोर। अब क्या मसला है कि क्या कहा जा? सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए आई, उनको रिसीव करने के लिए, बिकॉज आई लाइक यू। हम तो बाहर नहीं जा सकते थे, मेरी गाड़ी को कितनी बार उन्होंने तोड़ डाला, शीशे तोड़ डाले। जब से मोदी जी हरकत में आए तो हम बहुत अच्छी तरह से इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं। हमको रात को भी लोग आते थे, तंग करते थे मेरे से, इतना मेरे को इतना तंग किया, मेरा हाथ भी काटा है। ये देखो, ये किस लिए लाए आपने? ये मोदी जी का ऐसे। हाँ, मगर अगर आपका ये प्यार मोदी जी के लिए, बट आपको तो नई वेन्यू पे छोड़ा जा रहा है, मतलब कैसे जाएंगी वहाँ? देखिए, मैं तो 8 बजे से आई हूँ, हर जगह पुलिस ने डांटा। एक दफा मुझे सीआरपी के साथ लड़ाई भी हुई, बोला तू डॉक्टर नहीं है, तू झूठ बोलती है, उधर से जाओ इधर से जाओ। मैंने कार्ड भी दिखाया, अब क्या करें। बट अगर मोदी वर्कर्स के साथ ये हो रहा है तो क्या लगता है, सही है? लेकिन बट आई हैव रिसेंटली जॉइंड द बीजेपी बिकॉज ऑफ माई पर्सनल प्रॉब्लम्स। हमारा एक मसला है, आप लिखिए, ये हमारा एक मसला है। जो मेरा बाप है ना, आई वॉज 1.5 ईयर ओल्ड व्हेन माई फादर डाइड। हमारे जो एंसिस्टर है ना, ये चाचा वाले है ना, मैं सोपोर की अस्थी नहीं हूँ, मैं वागूरा की हूँ। सोपोर ये नानिहाल है मैं कार, आई एम नॉट, आई बिलो माई फादर। वहाँ उन्होंने हमारे 19 कनाल्स और 16 मरला जमीन खाए हैं, उसके लिए मैंने लड़ा है। 20 लाख लगे, जिस आदमी ने 20 लाख लगे उसका क्राइम ब्रांच में हमने केस किया, कुछ नहीं किया उसको। अब मैं सोचती थी मैं बीजेपी में जाऊंगी, सब मसले अपने हल करूंगी। अच्छा, आपको लगता है जो बीजेपी ज्वाइन करेगी उसके मसले हल हो जाते हैं? नहीं नहीं, आजकल इनकी ही हुकूमत है। अच्छा, हुकूमत तो अच्छी होती अगर है। हुकूमत बदल गई तो फिर दूसरे भी अच्छे आएंगे क्योंकि अब तो सीखा है ना धोखाधड़ी से क्या हो जाता है। अब नहीं करेंगे धोखाधड़ी। अब तो ये जो है ना हमारे छोटे छोटे जवान, ये इनको तो पूरी तरह उन्होंने अच्छी लाइफ देखी है, हमारी तरफ नहीं। मैं तो बुर्का पहन के मेडिकल कॉलेज जाती थी, बोलते थे तुम बुर्का पहन के जाओ। पर बुर्का पहना गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, उन दिनों तो वो ऐसा बुर्का होता था ना, आज तो ये ऐसे करते हैं, बुर्का पहन के बाजारों में नहीं घूमते थे। आजकल तो ये जवान, उन्होंने ये पढ़ते भी है, ये फैसिलिटी भी है उनकी, मीडिया भी है, ये अच्छे बनेंगे। पर बुर्के पे तो कश्मीर में कभी ये नहीं था, जैसे मैं हूँ, मैं हिजाब नहीं करती हूँ, बट मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कभी कि आप करो। मैं करते थे फोर्स, हमारे घर वाले। अच्छा, घर वाले बैकवर्ड। अच्छा, बट इस्लाम में तो है कि आपको करना है, वो तो इस्लाम मुस्लिम है। ये भी हुआ वार्ता, मैंने कभी ये नहीं किया, ऐसे ही मैं चली। अच्छा, कभी नहीं किया ये मेकअप का, थोड़ा सा क्यों लगा। बट बीजेपी का इसमें क्या है, जैसे बुर्के की बात है या बाकी चीजें कहते हैं? ये पॉलिटिक्स है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। इसमें कुछ लोग बदनाम भी करते हैं। मैंने सारा हिंदुस्तान घूम के आई हूँ। आई यूज टू गो एवरी ईयर टू दिल्ली, आई हैव सीन द होल इंडिया। ये ऐसे लोग नहीं, लेकिन हर एक कुंडे में, हर एक कम्युनिटी में कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो ये बदनाम करते हैं। अब मुझे बताइए, मायूस होके आप वापस जा रहे हो? मोदी जी के पास क्या है, न बीवी है न घर है, वो किसके लिए ये कर रहा है? हम लोगों के लिए। मोदी जी पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करेंगे? क्या उसने अपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाई, उसकी बेटी है बेटा है उसको बनाया कुछ? मोदी जी के साथ अच्छी तरह हमको चलना चाहिए। आई हैव सीन द फर्स्ट पॉलिटिशियन सिंस आई एम ग्रोइंग अप। हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। वो मुसलमान नहीं था तो उसने नहीं कहा वो अच्छा है ये अच्छा, उसी ने बोला। मैंने एक बार मुझे स्कूल में वो खड़ा किया, उन दिनों तो जश्न कश्मीर मनाते थे, तो मैंने ये खुद गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मेरी सब फ्रेंड्स थी पंडित लड़कियां, उनको भी यहाँ से भगा दिया। चलिए, ये अब आपने देखा है, लेडी इतना दूर से आई हैं बट इनको अलो नहीं किया गया। मिठाई लेके भी आई कि कहा कि मोदी जी के ऊपर ये मिठाई फेंकेंगी, बट इनको अलो नहीं किया गया।